नमस्कार मित्रों, मैं मनोज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो चलिए मित्रों, आज की कार्यवाही को शुरू करते हैं और इससे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि इससे पहले आज के लेक्चर से पहले हमने क्या डिस्कस किया। हमने अभी तक प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में डिस्कस किया। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने स्टोन एज और आपका मेटल एज के बारे में बात किया। आज हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल को शुरू करेंगे। एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत इस आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना शुरू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ये एक सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। चलिए बाकी की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालने का प्रयास करते हैं। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मित्रों, एंशिएंट इंडिया, और एंशिएंट इंडिया में भी मित्रों हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को स्टार्ट कर चुके हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। वही मित्रों, अब इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। मित्रों, तो चलिए मित्रों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, मित्रों सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि जानी जाती है अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए, जल निकासी प्रणाली के लिए इसे जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरी सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। हालांकि मित्रों, वैदिक सभ्यता को पहले खोज लिया गया था, माना जाता था कि वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन जब रेल का विकास होना शुरू हुआ अंग्रेजों के समय 16 अप्रैल 1853 को, जब उस समय लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल थे भारत के, तो उस समय पहली रेल चलाई गई। उस समय कुछ अवशेष प्राप्त हुए जिनका जो एक्सपेरिमेंट अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा किया गया, तब पता चला कि उस स्थल के बारे में 1921 में पता चलता है पहले स्थल के बारे में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और फिर पता चला कि ये सभ्यता उस सभ्यता से भी प्राचीन है जिसे हम प्राचीन सभ्यता समझते थे, यानी कि वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन है। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता है और साथ ही साथ इसकी नगरी सभ्यता के लिए ये अपने आप में एक अनोखा और विशेष सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी विशेष बात यही है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि मित्रों इसके बाद जो सभ्यता आई यानी कि वैदिक सभ्यता जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच थी, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। अपने आप में ये आश्चर्यचकित करने वाला है कि एक नगरी सभ्यता के बाद तो उसका अपग्रेड वर्जन आता है, लेकिन वैदिक सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता रही, तो अपने आप में थोड़ा शॉकिंग तो लगता ही है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है यानी कि ये एक शहरी सभ्यता, इसके लिए ये जानी जाती है शहरी सभ्यता। वही मित्रों, इसे यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान है वो एक उसकी विशेष जल निकासी प्रणाली के लिए है। जल निकासी प्रणाली, क्योंकि उस समय जल निकासी प्रणाली का विकसित होना अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय सड़कों पर मेन होल का निर्माण होना, जो गटर सीवरेज वगैरह की हम बात करते हैं, उनका विकास होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इस समय जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम था वो बेहतर था, वही मित्रों
बात करें इसके विकास की, किस प्रकार से इसकी खोज होती है। हालांकि 1826 में जो चार्ल्स मेसन थे, 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा ये दावा किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज उनके द्वारा की, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं मिले। ज्यादा प्रमाण न मिलने के कारण उनके इस दावे को ठुकरा दिया गया। लेकिन लिख लेते हैं कि 1826 में मित्रों चार्ल्स मेसन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का दावा किया गया। लेकिन मित्रों हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वास्तव में देखा जाए तो 1853 में, यानी कि 16 अप्रैल 1853 की बात है, 16 अप्रैल 1853 की बात है, जब पहली रेल चलाई जाती है जो कि मुंबई से, यानी कि बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई जाती है, और ये 34 किलोमीटर लंबी रेल होती है। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत के गवर्नर जनरल रहे 1848 से लेकर 1856 तक। मित्रों क्या हुआ इस समय, क्योंकि मित्रों रेल की पटरियां बिछाने के लिए खुदाई चल रही थी, क्योंकि जमीन को सपाट जो बनाना था, तो उस समय कारीगर लगे हुए थे, तो कुछ एक दो अवशेष प्राप्त हो रहे थे, लेकिन उन अवशेषों को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि एक दो अवशेष प्राप्त हो रहे थे। अब कारीगर थे, कोई इतिहासकार कोई आर्कियोलॉजिस्ट तो थे नहीं जिससे उन्हें पता चलता कि इनकी कुछ विशेष बात है। ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन एक जगह ऐसी आई जहां पर एक पर्याप्त मात्रा में, बड़ी मात्रा में अवशेषों की प्राप्ति हुई। अब उन अवशेषों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन उस समय जो एक इंजीनियर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि एक अभियंता थे, इनके द्वारा उन अवशेषों पर अध्ययन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है अवशेषों पर अध्ययन किया जाता है। ये कब की बात है मित्रों, ये 1856 की बात है, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है इन्हें, भारतीय पुरातत्व चूंकि मित्रों लॉर्ड डलहौजी जिनका उद्देश्य कुछ अलग ही था, और क्योंकि उनका उद्देश्य था कि जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यानी कि लंदन से ब्रिटेन से उन्हें जो आदेश दिया गया था वो केवल उसी का पालन कर रहे थे, उन्हें कोई भी मतलब नहीं था कि भारत में क्या मिल रहा है और क्या नहीं। तो मित्रों ज्यादा इंटरेस्ट न लेने के कारण यहां पर जो है एक तरीके से इस सभ्यता के बारे में जानना बंद हो गया। फिर इसके बाद मित्रों इस सभ्यता के बारे में जानने का काम तो तब होता है जब लॉर्ड कर्जन आता है। लॉर्ड कर्जन जो कि वायसराय बनकर आता है भारत का वायसराय बनकर आता है लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा। इसके बारे में विशेष बात यह है मित्रों कि ये अपने आप में एक पुरातत्वविद था ये। अब चूंकि पुरातत्वविद होने के कारण और उसका इंटरेस्ट होने के कारण इसने इसके बारे में खोजों पर, स्थलों की खोज पर काफी ध्यान दिया, तो इसीलिए इसने एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या कहें एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की।
साथ ही साथ मित्रों इसने 1905 में आर्कियोलॉजी सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। और इस विभाग का, इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन बनाया यानी कि अध्यक्ष बनाया वो जॉन मार्शल को बनाया। और मित्रों जॉन मार्शल के द्वारा ही दो टीमों का गठन किया गया, जॉन मार्शल के द्वारा ही दो टीमों का गठन किया गया इस सभ्यता के स्थलों की खोज के लिए। तो जॉन मार्शल के द्वारा ही दो टीमें बनाई गई। जॉन मार्शल ने मित्रों दो टीमों का गठन किया इस सभ्यता के स्थलों को खोज करने के लिए, दो टीमें बनाई, एक तो दयाराम सानी के नेतृत्व में और एक मित्रों राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। दयाराम सानी के नेतृत्व वाली टीम ने 1931 में खोज कर डाली किसकी, इस सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल की जिसका नाम है हड़प्पा। वही मित्रों अगले ही साल राखल दास बनर्जी वाली टीम भी मौज कर दी उसने 1922 में। इसकी टीम के द्वारा 1922 में एक महत्वपूर्ण स्थल जो कि मोहनजोदड़ो की खोज कर डाली। तो मित्रों जब इन दोनों स्थलों का मुआयना किया गया तो पता चला कि ये दोनों ही स्थल सिंधु घाटी से संबंध रखते थे। हालांकि इन दोनों स्थलों की जो दूरी थी ना मित्रों वो कम नहीं थी, 483 किलोमीटर दूरी पर थे ये दोनों स्थल, लेकिन फिर भी ये दोनों स्थल सिंधु घाटी से संबंध रखते थे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। इसीलिए मित्रों इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया जाता है। तो चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। अब मित्रों हम जानेंगे कि इस सभ्यता की जो टाइम पीरियड का निर्धारण किया गया, इस सभ्यता के काल का जो निर्धारण किया गया उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों बात करेंगे हम टाइम पीरियड के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के बारे में। तो अब जानने का प्रयास करेंगे कि जो समय निर्धारण था इस सभ्यता का वो किस प्रकार से इसका ज्ञात किया गया, इसका पता लगाने के लिए दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं हेडिंग टाइम पीरियड ऑफ आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय निर्धारित था उसके लिए दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, एक तो C14 कार्बन डेटिंग मेथड। इस मेथड से मित्रों ज्ञात किया गया कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था ये 2500 ईसा पूर्व यानी कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच रही। वहीं मित्रों दूसरी जो पद्धति है वो है रेडियो कार्बन मेथड, जिसके माध्यम से मित्रों पता चलता है कि सभ्यता का कहीं ना कहीं 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। लेकिन प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि यही दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त और मान्य जो मत है वो है ये यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच। ये हमने बात की समय निर्धारण की। तो चलिए मित्रों अब हम बात करेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नामों की। जैसा कि आप जानते हैं इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, पहली नगरी सभ्यता और साथ ही साथ कांस्य युगीन सभ्यता और साथ ही साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। तो जानने का प्रयास करते हैं मित्रों कि इसे क्यों कहा जाता है, इनके जो अदर नेम्स हैं वो कैसे पढ़ते हैं।
तो चलिए मित्रों एक एक करके इन सभी नामों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मित्रों बात करेंगे अदर नेम्स की, अन्य नाम की ऑफ आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहले नाम की बात करें मित्रों हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता। अब भाई इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसे हड़प्पा सभ्यता मित्रों इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था इस सभ्यता का वो था आपका हड़प्पा। 1921 में इस स्थल की खोज की जाती है दयाराम साहनी के द्वारा और ये पहला स्थल होता है, फर्स्ट साइट होती है इस सभ्यता की, वो हड़प्पा ही होती है। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इस हड़प्पा सभ्यता की बात करें ये नगरीय सभ्यता के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती है। नगरीय सभ्यता। वही मित्रों बात करें अगले नाम की, जैसा कि हम जानते हैं इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है यानी कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब भाई क्यों कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि मित्रों कांस्य युगीन सभ्यता। चूंकि मित्रों इस समय, क्योंकि हम जानते हैं कॉपर की खोज तो पहले ही हो चुकी थी, कॉपर की खोज तो पहले ही हो चुकी थी 3000 ईसा पूर्व के समय, और अब इसके बाद मित्रों टिन की भी खोज हो जाती है। कॉपर और टिन इन दोनों की खोज हो जाने के कारण ये दोनों मिलकर मिल जाते हैं और बनाते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कि मित्रों कांस्य, इसीलिए मित्रों इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। वही मित्रों इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि सिंधु सरस्वती नदियों के इर्द गिर्द इस सभ्यता का विस्तार है इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। साथ ही साथ मित्रों इसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है यानी कि पहली नगरीय सभ्यता। तो ये थी बात मित्रों उन नामों की जिनसे आप सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय कई बार देखते हैं। तो चलिए मित्रों अब हम जानेंगे कुछ साइटों की, लेकिन उन साइटों के बारे में जो कि सबसे या तो नॉर्थ में है या साउथ में है या ईस्ट में या वेस्ट में। तो यदि मित्रों आप इस सभ्यता को देखेंगे, यदि मित्रों आप इस सभ्यता को देखेंगे तो नॉर्थ यानी कि मित्रों उत्तर में आपको सबसे उत्तर में जो सभ्यता देखने को मिलेगी वो होगी आपकी मांडा। मांडा जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है और ये आपकी चिनाब नदी के किनारे है। वही मित्रों अगर हम बात करें साउथ की यानी कि सबसे दक्षिणतम साइट है यानी कि स्थल है इस सभ्यता का, तो वो है आपका दैमाबाद। दैमाबाद जो कि मित्रों दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी के आसपास है और ये आपके महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी के निकट। वही मित्रों अगर हम बात करें ईस्ट में यानी कि पूर्व में, तो पूर्व में जो स्थल है मित्रों वो है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि मित्रों हिंडन नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे है। वहीं मित्रों अगर हम बात करें सबसे जो पश्चिमी स्थल है यानी कि वेस्टर्न मोस्ट स्थल है वो है इस सभ्यता का, जिसका नाम है सुतका गिंडोर। सुतका गिंडोर जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है इस सभ्यता का, जो कि बलूचिस्तान में आता है, जो कि एक पाकिस्तान का प्रांत है, बलूचिस्तान में है और ये दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। तो ये थी बात मित्रों इन स्थलों की बारे में जो कि सबसे या तो नॉर्थ में, साउथ में या ईस्ट में, वेस्ट में। अब मित्रों अगर हम बात करें इस सभ्यता का, इस सभ्यता के जो स्थल है, जिस प्रकार से इन स्थलों का फैलाव है इस सभ्यता का यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उनका जो आकार है
आपको आकार देखने को जो मिलेगा वो ट्राइंगुलर शेप में मिलेगा। कैसा मिलेगा? आकार की बात करेंगे तो वो मिलेगा आपका ट्राइंगुलर शेप यानी कि त्रिभुजाकार में। तो इस सभ्यता का जो आकार पूछा जाए त्रिभुजाकार इस सभ्यता को कहते हैं। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जो कि काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाते हैं प्रमुख रूप से अब जो हम पढ़ने वाले हैं उनसे ही पूछे जाते हैं। तो प्रमुख साइट्स के बारे में बात करेंगे मित्रों। हालांकि हम सभी साइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सभी साइट्स के बारे में जिक्र करना कोई मतलब का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। तो हमें उन इंपोर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कस करना है जो अमूमन उनके उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों कुछ इंपोर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और अभी हम बात करेंगे उनके उत्खननकर्ता, साथ ही साथ उनकी वर्तमान अवस्थिति क्या है, साथ ही साथ जानेंगे हम वो किस वर्ष उनकी खोज हुई, साथ ही साथ जानेंगे कि वो किस नदी के किनारे हैं। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं और एक फ्लो चार्ट, एक चार्ट टेबल बनाएंगे। तो चलिए मित्रों तो हम जानेंगे इंपोर्टेंट साइट्स के बारे में अब, यानी कि महत्वपूर्ण स्थल। तो मित्रों महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं अब हम। तो सबसे पहले लिखिएगा स्थल, अगला जो रहेगा उत्खननकर्ता, अगला रहेगा मित्रों वर्तमान स्थिति, अगला रहेगा वर्ष, किस वर्ष इनकी खोज हुई और ये किस नदी के किनारे। ये काफी कुछ कवर कर लेगा मित्रों। तो चलिए पहला स्थल, जैसा कि हम जानते हैं पहला स्थल जो था जिसकी खोज हुई वो था आपका हड़प्पा। तो इस हड़प्पा के जो उत्खननकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। वही मित्रों अगर हम बात करें वर्तमान में इस स्थल की जो स्थिति है वो है पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ मित्रों अगर हम बात करें इसकी जो खोज हुई वो 1931 में हुई थी और ये किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। अब नेक्स्ट बात करें मित्रों तो वो है आपका मोहन जोदड़ो। इसके जो खोज करता है मित्रों या उत्खनन करता है वो है राखल दास बनर्जी। वही मित्रों अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की तो वो है आपका सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में ही आता है। अगर हम बात करें इसकी खोज की तो इसकी खोज हुई थी 1922 में और ये सिंधु नदी के किनारे है। अब नेक्स्ट बात करें मित्रों तो अगला है चन्हुदड़ो जिसकी खोज की गई थी। चन्हुदड़ो की जो खोज हुई थी वो गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी और ये भी मित्रों आपका चन्हुदड़ो जो है सिंध प्रांत में ही है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। वही मित्रों अगर हम बात करें इसकी खोज 1931 में की जाती है और ये जो है आपका सिंधु नदी के किनारे ही है। अब नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों, अगला स्थल है जिसका नाम है सुतका गिंडोर। इस स्थल की खोज की बात करें मित्रों तो इस स्थल की खोज मार्क आरेनस्टाइन के द्वारा की गई। वहीं मित्रों अगर हम बात करें ये वर्तमान स्थिति की तो ये है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का ही एक प्रांत है। और बात करें इस सुतका गिंडोर की, जैसा कि हम जानते हैं ये सबसे पश्चिमी स्थल है इस सभ्यता का और इसकी खोज मित्रों हुई थी 1927 में और ये दास नदी के किनारे है। अगले स्थल की बात करें मित्रों तो अगला स्थल है लूथल।
लोथल जिसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई। वही मित्रों ये लोथल जो कि वर्तमान में गुजरात में आता है और इसकी खोज हुई थी 1955 से लेकर 57 के बीच और ये भोगवा नदी के किनारे है। तो ये थी बात मित्रों प्रमुख स्थलों की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्थल के बारे में। अगला स्थल है मित्रों रोपड़। तो रोपड़ जिसकी खोज मित्रों की गई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा और वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये पंजाब प्रांत में है और इसकी खोज जो हुई थी वो हुई थी मित्रों रोपड़ की 1953 में। वहीं ये किस नदी के किनारे है तो ये सतलज नदी के किनारे है। अगले स्थल की बात करें मित्रों तो अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा जिसकी खोज मित्रों अमलानंद घोष के द्वारा की गई और ये जो कालीबंगा है वो राजस्थान में आता है और इसकी खोज मित्रों हुई थी 1953 में ही। और कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है। अब मित्रों बात करें अगले स्थल की जिसका नाम है बनावली। बनावली मित्रों इसकी खोज की जाती है आरएस बिष्ट के द्वारा, यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की जाती है बनावली की। बनावली मित्रों जो कि आपका हरियाणा में है और इसकी खोज मित्रों हुई थी 1973 में और बनावली जो कि आपका सरस्वती नदी के किनारे है। वहीं मित्रों बात करें अब नेक्स्ट स्थल की तो वो है आपका रंगपुर जिसकी खोज माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई जो कि मित्रों गुजरात में है और इसकी खोज रंगपुर की 1931 में की जाती है। और ये किस नदी के किनारे है तो ये मादर नदी के किनारे है। वहीं मित्रों बात करें अगले स्तर की तो वो अगला स्तर है मित्रों आपका सुरकोटदा जिसकी मित्रों खोज की जाती है जगपत जोशी के द्वारा। अब मित्रों बात करें सुरकोटदा जो कि आपका कहां है, ये भी गुजरात में ही है और इसकी खोज 1964 में होती है। और सुरकोटदा जो कि आपका सरस्वती नदी के किनारे एक स्थल है। नेक्स्ट मित्रों अगला स्थल है मित्रों मांडा जिसकी खोज जगपत जोशी के ही द्वारा की जाती है। और इसकी जब वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो हालांकि हमने बात कर ली ये महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर में है क्योंकि ये उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल है। और इसकी खोज कब हुई थी तो इसकी खोज मित्रों हुई थी 1982 में। और ये किस नदी के किनारे है तो ये चिनाब नदी के किनारे है। बात करें मित्रों कोट दीजी जिसकी खोज अहमद खान के द्वारा की गई। और साथ ही साथ मित्रों ये कोट दीजी जो कि कहां है, बलूचिस्तान में है जो कि पाकिस्तान का ही एक प्रांत है और इसकी खोज की जाती है मित्रों 1934 में। और साथ ही साथ बता दूं ये किस नदी के किनारे है तो ये सिंधु नदी के किनारे है। वही मित्रों नेक्स्ट स्थल की बात करें तो वो है आपका आलमगीरपुर। हालांकि हम जानते हैं कि आलमगीरपुर जो कि सबसे पूर्वी स्थल है सभ्यता का, आलमगीरपुर जिसकी खोज की जाती है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही। और साथ ही साथ मित्रों ये कहां है, ये यूपी में है वर्तमान में। और साथ ही साथ इसकी खोज जो हुई थी वो 1950
1958 में हुई थी, 1958 में हुई थी। वही मित्रों बता दूं मैं कि ये किस नदी के किनारे, ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। वही नेक्स्ट बात करें मित्रों राखी गढ़ी की, जो कि सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। वही मित्रों बात करें इस राखी गढ़ी की खोज दो व्यक्तियों के द्वारा की जाती, एक तो आपका सूरज भान और रफीक मुगल, इन दो व्यक्तियों के द्वारा खोज की जाती है राखी गढ़ी स्थल की। और ये मित्रों कहां है, ये हरियाणा में है और इसकी खोज 1969 में होती है और ये भी आपका सरस्वती नदी के किनारे ही है। तो ये थी बात मित्रों कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। अब हम बात करेंगे मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपोर्टेंट जो कि होगा हमारा, उन स्थलों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें कुछ प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चलिए मित्रों अब हम बात करेंगे उन प्रमुख स्थलों के बारे में जिनसे हमें जो प्रमुख साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो चलिए मित्रों अब हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जिनसे हमें कुछ प्रमुख जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए मित्रों एक एक करके उन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो हड़प्पा स्थल रहेगा हमारा हड़प्पा, यहां से मित्रों क्या प्राप्त होता है, मित्रों अगर हम बात करें इस हड़प्पा की जो सबसे बड़ी इमारत थी, हड़प्पा की जो सबसे बड़ी इमारत की बात करें वो थी आपकी एक 12 कक्षों का अन्नागार, एक 12 कक्षों का अन्नागार प्राप्त हुआ है। वही मित्रों अगर हम बात करें इस हड़प्पा से ही जो प्राप्त हुआ है एक कब्रिस्तान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्योंकि मित्रों यहां पर हालांकि 57 कंकाल प्राप्त हुए थे लेकिन उन 57 कंकालों को जब देखा गया तो उनमें से 20 कंकाल ऐसी स्थिति में थे कि उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाना संभव नहीं था। तो 37 कंकाल जो है उन पर अध्ययन किया गया, इसीलिए इस कब्रिस्तान को R-37 नाम दिया गया, R-37। वही मित्रों अगर हम बात करें यहां की जो प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलें जो थी वो थी जौ एवं गेहूं। वही मित्रों एक और साक्ष्य जिसका नाम है एक उर्वरता की देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, इसीलिए इसे एक उर्वरता की देवी की मूर्ति कहा है। तो ये थी बात मित्रों हड़प्पा से जो प्राप्त हुए प्रमुख साक्ष्य। अब हम बात करेंगे मित्रों मोहनजोदड़ो से, मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो की बात करें मित्रों सबसे पहले तो यह जानने का प्रयास करते हैं कि मोहन जोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। शाब्दिक अर्थ इसका होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहन जोदड़ो का या मोहन जोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। अब यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए सबसे पहली बात ये कि यहां पर जो सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई, जो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो है मित्रों एक विशाल अन्नागार। यानी कि आप देख सकते हैं कि हड़प्पा की भी एक अन्नागार ही था और मोहनजोदड़ो का भी जो सबसे बड़ी इमारत मिली है वो भी एक अन्नागार ही है, एक विशाल अन्नागार। जिसे अ ग्रेट ग्रेनरी के नाम से भी जाना जाता है। वही मित्रों अगर हम बात करें सबसे प्रमुख इमारत की तो जो सबसे प्रमुख इमारत है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वो है एक विशाल स्नानागार। यानी कि मित्रों अ ग्रेट बाथ टब,
तो चलते हैं मित्रों, अब हम बात करते हैं और क्या प्राप्त हुआ। यहीं से मित्रों, यानी कि मोहनजोदड़ो से ही एक नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई। जो कि लॉर्ड शिवा की मानी जाती है, भगवान शिव की मानी जाती है। वहीं मित्रों आगे बात करें यहां से ही मित्रों एक पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त होती है, एक मोहर पर प्राप्त होती है, एक पशुपति नाथ की मूर्ति। अब भाई इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अब पशुपतिनाथ को भी लॉर्ड शिवा ही माना गया है। अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं की, इस की विशेषता की बात करें, तो सबसे पहली विशेषता यह है कि ये एक त्रिमुखी शिव का रूप है। वहीं इस पशुपतिनाथ की मूर्ति में अगर हम बात करेंगे तो इनके सिर पर सींग देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ मित्रों छह जानवरों की आकृति भी देखने को मिलती है, जो कि पांच प्रजाति के जानवर मिलते हैं। छह जानवरों की आकृति जिसमें आपको पांच प्रजाति के जानवर मिलेंगे। जिसमें आप देख पाएंगे मित्रों कि जो लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड में जो है आपको मिलेंगे भैंसा और गैंडा, वहीं मित्रों राइट साइड में प्राप्त होंगे आपको हाथी और बाघ, और पैरों के पास मित्रों या कहें पैरों के नीचे दो हिरण। साथ ही साथ मित्रों मैं बता दूं कि इस पशुपतिनाथ के पैरों के पास ही दो पक्षी भी प्राप्त होते हैं, दो पक्षी जो कि दो मोर हैं। वही मित्रों आप बात करें कि मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से ही एक नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो कि मित्रों कांस्य की बनी हुई है। वही मित्रों अगर हम बात करें यहीं से एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है, एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, वही मित्रों बात करें कि मोहनजोदड़ो से ही जो प्राप्त हुआ है वो है आपका एक मोहर मिली है जिस पर नाव का अंकन है, एक मोहर जिस पर नाव का अंकन है। वहीं मित्रों अगर हम बात करें प्रत्येक मकान में एक कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य। तो ये थी बात मित्रों मोहनजोदड़ो से। काफी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं मोहनजोदड़ो से, तो इसलिए इतना डिटेल से हमने डिस्कस किया। अब अगला स्थल रहेगा मित्रों जिसका नाम है चनूदड़ो, काफी इंपोर्टेंट है इसीलिए हम देख रहे हैं इसे। चनूदड़ो अगला स्थल है मित्रों, चनूदड़ो। इस स्थल की बात करें मित्रों, ये इस सभ्यता का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो कि एक ग्रामीण स्थल है। क्यों है? क्योंकि यहां पर
ना तो कोई किला है और ना कोई दुर्ग है, तो इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल, क्योंकि यहां पर ना तो कोई किला है ना कोई दुर्ग है। साथ ही साथ मित्रों अगर हम बात करें, यहां पर जो मकान है वो कच्ची ईंटों के प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ मित्रों यहां पर जो ईंटें हैं उनका आकार वक्राकार है, वही मित्रों बात करें चनूधड़ों से ही एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वही मित्रों बात करें यहीं से जो प्राप्त हुआ है चूड़ियों के और साथ ही साथ मित्रों लिपस्टिक के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, साथ ही साथ मित्रों यहां से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये थी बात मित्रों चनूधड़ों के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले स्तर के बारे में जो काफी खास रहता है हमारे लिए, जिसका नाम है लोथर। तो लोथर की बात करेंगे मित्रों, अगला स्तर है मित्रों हमारा लोथर, जो कि गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे। सबसे पहली बात ये कि ये इस सभ्यता की एक वाणिज्यिक राजधानी थी, साथ ही साथ मित्रों ये एक बंदरगाह शहर भी था, तो ये वाणिज्यिक राजधानी हुआ करती थी। यहां से ही फारस की जो मुद्राएं प्राप्त होती हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं यहां से फारस के बीच में कहीं ना कहीं व्यापार तो हुआ करता ही होगा। फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई, साथ ही साथ मित्रों एक ममी का, ममी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। भाई ममी जो कि मिस्र में जो शव दफनाने की एक प्रक्रिया होती थी, एक व्यवस्था होती थी, ममी के रूप में उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। साथ ही साथ मित्रों यहां से ही चावल के दानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ मित्रों यहां से ही युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, युग्म समाधान। अब भाई युग्म समाधान क्या है? युग्म समाधान का मतलब यह है कि एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ दफनाने की जो प्रक्रिया है वो युग्म समाधान कहलाती है, तो उसके साक्ष्य भी यही लोथल से प्राप्त हुए हैं। वही लोथल से मित्रों अमूमन हम देख पाते हैं कि इस सभ्यता में जो घर है, घरों का जो मुख्य द्वार है वो सड़क की ओर नहीं होता है, लेकिन लोथल में एक मकान ऐसा भी मिला है जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर है। माना जाता है कि कोई वो विशेष व्यक्ति होगा, कोई प्रधान वगैरह होगा, तो एक मकान जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर। तो ये थी बात मित्रों लोथल की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्थल के बारे में। अब भाई नेक्स्ट स्थल है आपका बनावली। बनावली के बारे में मित्रों बात करें, यह इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह यानी कि बनावली जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं थी। अगर हम देखें
कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो जाना ही इसीलिए जाता है क्योंकि यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली काफी बेहतरीन थी, लेकिन ये बनावली एकमात्र ऐसा स्थल था इस सभ्यता का जिसकी जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं थी। एकमात्र स्थल जिसकी जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं थी। साथ ही साथ मित्रों बात करें कि इस बनावली से ही हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का मतलब यह होता है एक मिट्टी का जो मॉडल होता है उसे टेराकोटा कहा जाता है, एक क्ले मॉडल। तो ये हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। तो ये थी बात मित्रों बनावली की। तो चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। अगला स्थल है मित्रों कालीबंगा। जैसा कि हम जानते हैं कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, और कालीबंगा में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मित्रों वो है आपका काली मिट्टी की चूड़ियां। तो मित्रों काली मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं यहां से। साथ ही साथ मित्रों यहां से हल्के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों इस कालीबंगा से ही जो प्राप्त हुए हैं वो है जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहां से ही मित्रों मक्का उगाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो चलिए मित्रों अगले स्थल की बात करते हैं जो भी काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्थल हम डिस्कस करने वाले हैं उसे यूनेस्को के द्वारा 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए चुना। तो उसका नाम है मित्रों धोलावीरा, जो कि गुजरात का एक स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। धोलावीरा की बात करें मित्रों तो यह पहली बात तो यह कि 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की, और इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में रखा। वहीं मित्रों अगर हम बात करें धोलावीरा को किसके लिए जाना जाता है, इसकी जो यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है इसके लिए इस धोलावीरा को जाना जाता है, यानी कि अद्वितीय जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ मित्रों ये धोलावीरा एकमात्र स्थल है इस सभ्यता का जो कि तीन सीटाडेल यानी कि तीन पार्ट्स में विभाजित है, यानी कि डिवाइडेड इनटू थ्री सीटाडेल्स। वही मित्रों अगर हम बात करें इस धोलावीरा से एक स्टेडियम के यानी कि एक खेल के मैदान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये थी बात मित्रों उन प्रमुख स्थलों के बारे में जिनसे कुछ प्रमुख साक्ष्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अब मित्रों बात करें कुछ ऐसी जानकारी जो अतिरिक्त है। अब भाई सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सभ्यता की दो प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स थी, प्रशासनिक राजधानी जो कि थी आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को प्रशासनिक दो प्रशासनिक राजधानियां माना जाता था। वही मित्रों अगर हम बात करें ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसकी जो वाणिज्यिक राजधानी थी यानी कि कमर्शियल कैपिटल थी वो थी मित्रों आपकी लोथल। साथ ही साथ मित्रों मैं बता दूं कि यहां से लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि लोहे की खोज तो कब होती है, लोहे की खोज तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास होती है, तो ये तो आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच है, तो इस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी।
वही मित्रों मैं बता दूं कि राखीगढ़ी जो कि सबसे बड़ी साइट थी इस सभ्यता की, और साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद जो सबसे ज्यादा साइट्स प्राप्त हुई हैं वो हरियाणा से प्राप्त हुई हैं। तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल जो कि प्राप्त हुए हैं मित्रों हरियाणा से, और सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ा स्थल है इस सभ्यता का, वो है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में ही आता है मित्रों। तो ये थी बात मित्रों कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये थी बात मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, लेकिन अगले लेक्चर में। तो आशा करता हूं मित्रों आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, और मैं मानता हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो चलिए मित्रों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बने रहिएगा आपके अपने इसी चैनल में। तो तब तक के लिए मित्रों मैं अलविदा लेना चाहता हूं, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।